नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं आपके साथ दिव्या। संत रविदास जयंती के अवसर पर शहर में मनाया गया 13वां संत रविदास सम्मेलन। लोगों को दी गई संत रविदास के जीवन के बारे में जानकारी। 15वीं-16वीं शताब्दी में संत रविदास एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक थे। संत रविदास निर्गुण संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश दिए। संत रविदास की रचनाओं में भगवान के प्रति उनकी भक्ति व प्रेम प्रदर्शित होता था, तो उनकी सच्चाई और सरलता के चलते वो बहुत जल्दी लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। प्रत्येक वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। इसी तारतम्य में शहर में 13वां रविदास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद इंदु चौधरी ने संत रविदास की जीवनी से लोगों को अवगत कराया। एक होटल पे रोजाना लोग रुकते थे, चाय पीते थे, तब घर को जाते थे। उस दिन भी दोनों लोग साहेब और वो दोनों लोग साइकिल लेकर के अपनी ऐसे ऐसे जा रहे हैं। होटल आया, ना साहब रुके ना आंटे जी रुके। आंटे जी को लगा था साहेब के मीट खाए का मन है। साहब को मीट बहुत पसंद था। कहने लगता है साहब को मीट खाने का मन है तो इसलिए आज चाय की दुकान पे नहीं रोके, लगता है आगे वाले होटल पे रोकेंगे। साहब की साइकिल आगे बढ़ती रही, आंटे जी की भी साइकिल आगे बढ़ती रही। आगे वो सही नहीं था। आंटे जी भी जब गाड़ी नहीं रोके तो समझ गए कि लागत है साहब के पास पैसा नहीं है। दोनों साथी चुपचाप अपने कमरे पे पहुंचे और कमरे पे एक एक गिलास पानी पी करके सो गए। सोच करके देखिए भैया, भूखे रह गए। रात में एक गिलास पानी पी करके दोनों साथी सो गए। सुबह नींद खुली तो आंटे जी सो रहे थे, लेकिन साहब को तो मीटिंग लेने पुनः शहर वापस जाना था। साहब खड़बड़ा रहे हैं, कभी तकिया के नीचे खोज रहे हैं, कभी बिस्तरा के नीचे खोज रहे हैं, कभी कापी किताब उलट पलट। जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए, पुनः जाने के लिए, तो साइकिल पंक्चर हो गई है, तो तेरे पास कुछ पैसा हो तो दे दे। तो कहने लगे साहब मेरी साइकिल लेके जाइए ना। साथी मिल के पूरा कमरा ढूंढ लिए लेकिन पैसा नहीं मिला। साहब बोले छोड़ो, जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। सब कुछ छोड़ करके साहब दौड़ते हुए स्टेशन गए ट्रेन पकड़ने के लिए। सोच करके देखिए आज छोटे छोटे